नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद हरवंश में। तो आज हम मॉडर्न बॉटनी शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये सेल का डायग्राम। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, तो ये प्लांट सेल आप देख रहे हैं सामने। सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, ये हमारी सबसे पहली यूनिट है। यूनिट का नाम है बायोडायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट के अंदर हम अप्रॉक्स 17 चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इस यूनिट की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और ये मॉडर्न बॉटनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज में आप देख रहे हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? तो लैमार्क और ट्रेविलियनस 1812 में ये पहले दो लोग थे जिन्होंने बायोलॉजी वर्ड खोजा था। बायोस मतलब होता है लाइफ, लोगोस मतलब होता है डिस्कोर्स। तो हम इसमें बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी को स्टडी, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ एज यहाँ पर मेंशन है कि हम डिफाइन करते हैं बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है। लिविंग बींग्स में एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। तो बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांटा गया है, बॉटनी एंड जियोलॉजी। तो जो जियोलॉजी का वर्ड है वो जियोन यानी एनिमल, और लोगोस अगेन डिस्कोर्स। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स जियोलॉजी होता है, एंड बॉटनी दूसरा होता है, जिसमें हम बॉटनी में बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बोटेन वर्ड से आया, बोटेन वर्ड का मतलब क्या है? बोटेन वर्ड का मतलब है हर्ब, और ये बोटेन वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो वर्ड है बॉस्किन। बॉस्किन वर्ड का मतलब होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब जो गाय घास खाती है, गाय घास चरती है। और फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है, ये भी आप याद करिए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने 500 प्लांट्स को प्रिपेयर किया, उनको क्लासीफाई किया कि वो ट्री हैं, शॉप्स हैं, हर्ब्स हैं। और एनुअल प्लांट और बाइनियल पेरिनियल प्लांट, मतलब एनुअल साल में एक बार होने वाला प्लांट, बाइनियल दो साल में होने वाला एक बार प्लांट, पेरिनियल बहुत सालों में एक बार होने वाला प्लांट। अप्रॉक्स कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 20 ईयर्स में एक बार होता है। आगे देखते हैं हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, अगर कोई चीज़ जिंदा है तो उसका क्या प्रमाण है कि वो जिंदा है। तो इसमें बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, टोटल यहाँ पे 12 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब लाइफ मतलब जीवन, साइकिल मतलब चक्र, जीवन चक्र, जिसमें वो बॉर्न होगा, ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और बूढ़ा होगा, बिकम सेनेसेंट, और फिर मर जाएगा। लाइफ कंटिन्यूज बाय रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है, एरिटी होती है, इसलिए लाइफ के बाद दूसरी लाइफ शुरू होती है, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, ऐसे हर ऑर्गेनिज्म में चलता है। अब वो ये डिफरेंट सीक्वेंस में काम होता है, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है और डिफिनेट होता है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी एक करेक्टरिस्टिक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोज मतलब फर्स्ट, प्लाज्मा मतलब फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म, ये सेल का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, सेल इसके बिना कुछ नहीं है। तो एक रियल लिविंग मैटर हर लिविंग बींग्स का जो होता है प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है, जहाँ पर सारी फिजिकल बेसिस की चीज़ें होती हैं, सारी वाइटल एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मा होता है, उस प्रोटोप्लाज्मा के अंदर फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म कराते हैं। आगे देखेंगे भी, प्रोटीन और सेवरल केमिकल सब्सटेंस डिफरेंट रेशियो प्रोपोर्शन में मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। स्टेप वाइज रिएक्शंस होती हैं इन केमिकल्स के बीच में, डिफरेंट सीक्वेंस में, तब जाके हमारा मेटाबॉलिज्म और हमको ग्रोथ मिलती है। सीक्वेंस आप समझ सकते हैं, इससे पहले खाना खाया जाता है, फिर खाना पचता है, खाना एब्जॉर्ब होता है, फिर एनर्जी मिलती है ब्लड में हमको। देन थर्ड है हमारा सेल स्ट्रक्चर। हर सेल का अलग स्ट्रक्चर होता है। तो सेल हर ऑर्गेनिज्म एक स्ट्रक्चरल यूनिट से बना है, एक से ज़्यादा, और कोई कोई एक सेल से भी बने होते हैं। उस सब स्ट्रक्चर सब यूनिट को सेल बोलते हैं, और उस लिविंग सेल के प्रोटोप्लाज्म के ऊपर क्या लगा रहता है? एक प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब प्रोटोप्लाज्म के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी है, इसको भी हम देखेंगे, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से एक एडिशनल मेम्ब्रेन लगी होती है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन, नहीं वो वॉल होती है, वो भी डेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। मेटाबॉलिज्म हम लोग का फोर्थ पॉइंट है। मेटाबॉलिज्म में क्या देखते हैं? हर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, वही उसको ये बताता है कि वो लिविंग है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर आपके दो आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ओवरऑल हम लोग एनाबॉलिज्म ज़्यादा होता है एक रेशियो अगर देखें तो। अब होता क्या है ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म मींस कंस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिज्म मींस डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मींस बनना, मेकिंग, यहाँ पर कुछ बन रहा है, और डिस्ट्रक्टिव मींस यहाँ पर कुछ ब्रोकन, कुछ टूट रहा है, डिस्ट्रक्शन, तबाह होना। तो इन दोनों से मिलकर कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म मींस मेटाबॉलिज्म, ये दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं, तब हम लोग का मेटाबॉलिज्म, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, और हम लोग जिंदा रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेना इज नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को सांस लेना लोग समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फूड के साथ मिलकर हमको देता है एनर्जी, दिस इज रेस्पिरेशन। प्लांट खुद से खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज कर देते हैं, और फूड, उनका जो फूड होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो खुद से बना लेते हैं और रिलीज ऑफ एनर्जी करते हैं, यहाँ पर जो मेंशन है, जो मैंने बताया। और यही एनर्जी सारे वाइटल एक्टिविटीज़ को करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्स नंबर पे करेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स खाना खाना, कि जैसे कि प्लांट है, वो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो CO2 एयर से ले लेता है, क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है। बेसिकली प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मींस, इसको समझिए, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, खुद से, ट्रॉफिक मींस फूड, तो खुद से वो फूड बना लेते हैं यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनको पानी चाहिए होता है, इस चीज़ों से मिलकर वो अपना खाना बना लेते हैं। तो उनका न्यूट्रिशन ये हो गया, लेकिन प्लांट का न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, क्योंकि प्लांट, सॉरी, एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के होते हैं, वो प्लांट पर डिपेंड करते हैं। देन सेवन्थ नंबर पर हम लोग का है ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज है, जो परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, इन द वॉल्यूम या इन द फॉर्म। यूजुअली हम देखते हैं इंक्रीज इन ड्राई वेट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब ये ड्राई वेट क्या है? ड्राई वेट मतलब मॉइस्चर, यानी वाटर को हटा देंगे, इसको बोलते हैं ड्राई वेट। इसको समझने के लिए यहाँ पर नीचे ये चीज़ इसीलिए दी गई है, जो कह रहे हैं कि अगर एक नॉन लिविंग वुड को, लकड़ी नॉन लिविंग कटी हुई, उसमें पानी डालेंगे, वो फूल जाएगी, उसका वजन बढ़ जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन जब हम वेट करेंगे तो वो बड़ा होगा, कुछ समय बाद एवोपरेट हो जाएगा पानी, तो परमानेंट इंक्रीज नहीं है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर से वेट बढ़ा है। बट इन लिविंग सेल क्या होता है? एंडोजेनस कॉज होता है। एंडोजेनस मतलब इंटरनल कॉज होता है उस ग्रोथ का। तो सेल ऐसे ग्रोथ करती हैं और उनमें
क्या होता है, वेट उनका बढ़ता है, ढेर सारी सेल्स का, तो पूरे टिश्यू, पूरे ऑर्गन, पूरे ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी का वेट बढ़ता है, तो वो ग्रोथ कहलाती है, परमानेंट चेंज होता है। अब हम लोग आगे देखें तो उसमें बताया है कि ग्रोथ ही मेटाबॉलिज्म का फाइनल रिजल्ट है। मेटाबॉलिज्म हमने देखा, मेटाबॉलिज्म जो हो रही है वो मेटाबॉलिज्म किसका क्यों हो रही है, मतलब मेटाबॉलिज्म हुई, मेटाबॉलिज्म का ग्रोथ फाइनली हो गई। आगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना, फिर से प्रोड्यूस करना, फिर से बनाना। ऑल ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने बच्चे अपने टाइप के प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है मूवमेंट और मोर्टेलिटी की भी उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। प्लांट्स में क्या से मूवमेंट होता है, वो रूट से एकदम सॉइल में चिपके रहते हैं, लेकिन उनकी जो रूट्स हैं वो कर्वेचर मूवमेंट शो करती है, लोकोमोशन नहीं शो करती है। लोकोमोशन मीन्स हो जाता है क्या हो जाता है, एक जगह से एक होता है लोकोमोशन, एक होता है मूवमेंट। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझना है। हम लोग ह्यूमन बींग्स यहाँ वन प्लेस टू अनदर मूव कर पाते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसे नहीं कर पाते हैं, इंटायर बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लाइमेडोमोनास और कुछ प्लांट्स ऑर्गेन, जैसे उनके गैमेट्स, जूस पोर, वो मूव करते हैं कर्वेचर, मतलब थोड़ा सा मूव करते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम प्लांट्स एनिमल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड। नेक्स्ट सेंसिटिविटी, हम लोग सेंसिटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के, ये हो गया सेंसिटिविटी। कोई चेंज होगा, जैसे कि आपकी स्किन यहाँ पर अच्छा बैठेगा आपको फील होगा, उसी प्रकार प्लांट को भी फील होता है, तो वो सेंसिटिव है अपने एनवायरनमेंट के, और उनके पास एडेप्टेबिलिटी है, मतलब एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, हैव पावर टू एडजस्ट, वो एडजस्ट हो जाते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से, इन द फॉर्म, अपना फॉर्म चेंज करके, अपना फंक्शन चेंज करके एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में। ये हो जाता है आपका, इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये है आपका प्लांट, और यहाँ पर ये हमने दिया स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब कोई यहाँ पर इफेक्ट दिया प्लांट को, प्लांट ने शो किया रिस्पॉन्स, तो ये प्रोसेस है एडेप्टेशन। और ये रिस्पॉन्स दो तरीके हो सकते हैं, तो फंक्शनल रिस्पॉन्स होगा, या तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, जैसे कि टच मी नॉट, प्लांट की लीफ को टच करो तो वो चिपक जाती हैं लीव्स आपस में, कुछ समय बाद वापस में फिर खुल जाती हैं, वो एक उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। और क्या है कि अगर हम प्लांट को ढक के रखेंगे तो वो मुरझा जाएगा, हवा नहीं मिलेगी उसको, तो ये उसका एक रिस्पॉन्स है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा अपने आप को ऐसे अडप्ट करके वो सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन एंड इवोल्यूशन। एक्सक्रीशन मीन्स एक्सक्रीट करना, अपनी बॉडी में जो ग्रोथ होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे हैं उसको प्रोड्यूस, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना, यानी कि मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको हमने बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, वरना वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएंगे। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन सबसे लास्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बच्चे के बच्चे के बच्चे में से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लांट है, उस प्लांट में ऐसे रिस्पॉन्सेस मिले कि उसको गर्म जगह पे सर्वाइव करना है, तो पहला वाला प्लांट कम सर्वाइव करेगा, फिर जो उसका बच्चा होगा वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा गर्म जगह पे, उसको भी ऐसे स्टिमुलस मिले तो उसने ऐसा रिस्पॉन्स दिखाया अपने एडेप्टेशन में, तो एडेप्टेशन बाय एडेप्टेशन होता गया पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इवोल्यूशन कहला गया। इवोल्यूशन ऐसे कहलाया कि वो सर्वाइव कर पाए, सारी चीज़ें सर्वाइव कराने के लिए हो रही हैं, और वो सर्वाइव करेगा तभी अपनी एनर्जी यूज़ करके वो ग्रोथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो लाइफ इज सम टोटल ऑफ दीज थिंग्स, जो भी हमने डिस्कस करी, और ये प्रिंसिपल्स बायोलॉजी के यूज़ करके हम ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी डिजीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फैमिन वाला अकाल, भुखमरी और किसी ड्रग एडिक्शन को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में सिंपल सा डिफरेंस आप जो समझ रहे हैं कि प्लांट्स मूवेबल नहीं है, जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरे की मूव कर पाते हैं, प्लांट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हायर प्लांट्स और एनिमल्स को तो हम लोग डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, लेकिन जो लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट्स हैं उनको करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर वॉलवॉक्स और यूगलिना को जब देखा जूलॉजिस्ट ने, तो उनको बताया कि वो एनिमल है, बॉटनिस्ट ने देखा तो बताया वो प्लांट है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा था। अब हम लोग का डिफरेंस मेनली देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं ग्रोथ के बेसिस में। ग्रोथ जैसे कि प्लांट है, प्लांट में ये स्टेम है, स्टेम में लेटरल ग्रोथ होती है तो लेटरल मेरिस्टम से होती है, ऊपर एपिकल ग्रोथ हो रही है तो वो एपिकल मेरिस्टम से है, और इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मतलब जैसे कि ये हमारा गन्ना होता है तो उसमें ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, इंटरकैलरी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, ये पहले ऐसे ऐसे था, कुछ समय बाद ये कैसा हो गया, यहाँ पर ये ग्रोथ बढ़ गई, इसकी ग्रोथ बढ़ गई, इसकी भी ग्रोथ। तो ओवरऑल जो आपकी एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो एपिक्स ऑफ शूट्स, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो इंक्रीज इन लेंथ करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ में इंक्रीज कर दिया। उसी प्रकार गर्थ यानी थिकनेस, लंबाई में कौन इंक्रीज कर रहा है, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम, और गर्थ यानी लेटरल, तो वो लेटरल मेरिस्टम शो कर रहे हैं। प्लांट्स में ग्रोथ होती रहती है जब तक ट्री बनके वो मरना चाहिए, पौधा जितनी मरे वो मरे ना, उसे एक दिन पहले तक ही मरते दम तक ही, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एज होती है, बच्चा बड़ा होता है, वो क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, फिर होती जा रही है, जवान हो रहा है, होती जा रही, ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस सेल वॉल में देखेंगे तो सेल लोज से वॉल बनती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, हम लोग सेल वॉल की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, तो सेल वॉल जो है प्लांट में सेल लोज से बनी है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल प्रेजेंट सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो, फोटो मींस लाइट, फोटो को यूज़ करके सिंथेसिस करना, किसकी सिंथेसिस करना, फूड की। तो फूड हम बनाते हैं यूजिंग मेनली सनलाइट, ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए नाम दे दिया, सनलाइट यूज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ और वाटर यूज़ हुआ, इससे हमने यूज़ करके क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाया। क्लोरोफिल एब्सेंट होता है एनिमल्स में लेकिन प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, यही उसको ऑटोट्रॉफिक बनाता है, मेन चीज़ इज़ क्लोरोफिल। देन मूवमेंट, मूवमेंट हम देख चुके हैं कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर पाते हैं, यही एक रीजन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कि प्लांट एक जगह रहते हैं तो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हम लोग हेटरोट्रॉफिक हैं, यहाँ पर ये मेंशन है। आपको ये सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में नहीं तो कमेंट में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल में वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स कुछ होते हैं जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए।
जबकि एनिमल्स क्या करते हैं, फूड लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, खाना बनाते हैं, पकाते हैं। कुछ स्पेशल एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स में, प्लांट में ये नहीं होता है। वो रिमूवल ऑफ बार्क करते हैं, अपनी पत्तियाँ, सीनेसेंट पत्तियाँ, मतलब कि जो बुरी हो गई पत्तियाँ को चढ़ा देते हैं। और क्या है उसके बाद, सेंट्रोसोम, सेंट्रल बॉडी होती है। देखा गया है कि सेल डिवीजन में इसका बहुत रोल होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, बट प्लांट में ये एबसेंट होता है। हाउ एवर इट इज़ फाउंड इन लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स एल्गी, फंजाई में ये देखा गया, एनिमल्स में देखा गया, लेकिन ये प्लांट्स में नहीं होता है, जो बड़े प्लांट्स हैं। इसका रीज़न क्या, इसका कॉज क्या हो जाता है? इसका कॉज हो जाता है कि प्लांट डिवीजन होता है, तो उनमें डिवीजन में डिफरेंस हो जाता है। अभी हम लोग साइटोकाइनेसिस देख रहे हैं, इसमें डिवीजन आएगा तो डिफरेंस आएगा। और ये सेंट्रोसोम स्टार शेप्ड होता है। लाइसोसोम अगर हम देखें तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम खुद जैसे कि हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कर रही है, उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल हुआ या नॉन फंक्शनल चीज़ें हुई, तो वो अपने आप उस चीज़ को खत्म करने के लिए उसके पास चला जाता है। जैसे ये वेस्ट सामान है और ये हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम के पास जाएगा, इसको आपस में चिपका लेगा और खुद बर्स्ट हो जाएगा, खुद भी मर जाएगा और सारी चीज़ें भी तबाह कर देगा, ताकि वो हमारी सेल को हानि ना पहुंचाए, टॉक्सिक ना बना दे। तो ये होता है लाइसोसोम। ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स इसमें होते हैं जो इसको ऐसा कराते हैं, जो कि देखा गया है कि प्लांट और एनिमल में ऐसा डिफरेंस बनाते हैं कि ये लोअर प्लांट्स या हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स या हायर प्लांट सेल्स में ये कुछ होते हैं और एनिमल सेल्स में ये बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। तो लाइसोसोम का डिफरेंस हो गया कि लाइसोसोम प्लांट्स में कम होते हैं, एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं। अब साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे तो साइटोकाइनेसिस क्या है, एनिमल सेल में जब सेल, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब सेल टूटना, तो जैसे कि ये सेल है और ये सेल ब्रेक होगी तो ऐसे हो जाएगी। इसी प्रकार इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी टूट रहा है, तो न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से साइटोकाइनेसिस को लेकर चल रहे हैं। तो ये डिफरेंस देखा गया है कि जो प्लांट होता है उसमें अलग तरीके से होता है, उसमें सेंटर टू पेरीफेरी, जो एनिमल है एनिमल में पेरीफेरी टू सेंटर ऐसे सेपरेशन होता है डॉटर सेल का। ये सेल है, ऐसे डॉटर सेल डिवाइड हुई, तो यही डिफरेंस बनाता है। क्या डिफरेंस है अभी आप डायग्राम से देखिए, रीड करिए। इन एनिमल सेल सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल कैसे होता है, इक्वाटोरियल कंस्ट्रक्शन, इक्वाटोरियल कंस्ट्रक्शन मींस पेरीफेरी टू सेंटर, वाइल इन प्लांट साइटोकाइनेसिस होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट मींस वो कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इंटरजोनल, वन सेकेंड हम ले लेते हैं आपका पेन, फ्रेगमोप्लास्ट से बना है, इंटरजोनल माइक्रोटोब्यूल से बना है, गॉल्जी वेसिकल्स, ये सारे सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर माइग्रेट करते हैं सेंटर से पेरीफेरी, कहाँ से कहाँ, सेंटर से पेरीफेरी वो माइग्रेट करते हैं और वो डिवीजन कॉज करते हैं। कैसे, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर जो हमारा बना फ्रेगमोप्लास्ट बना, कैसे बना, इंटरजोनल माइक्रोटोब्यूल्स और गॉल्जी वेसिकल्स एक्युमुलेट करके, फिर ये फ्रेगमोप्लास्ट आगे चल के सेल प्लेट बना देगा। ये सेल प्लेट सेपरेट करेगी टेरिटरीज को डॉटर सेल्स में। विद इन सेल प्लेट प्राइमरी सेल, प्राइमरी वॉल इज प्रोड्यूस, मतलब क्या है, आप ऐसे देखिए, जैसे कि हमने ये सेल लिया है, इस सेल में यहाँ पर एक्युमुलेशन हुआ गॉल्जी वेसिकल्स, इंटरजोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये हो गया हमारा फ्रेगमोप्लास्ट में। फिर ये सेंटर से पेरीफेरी जब जा रहे हैं, तब ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्म होकर सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ और ये डॉटर सेल्स में इसको डिवाइड कर देंगे। ये आगे का स्टेप है। और सेल प्लेट में ही ये प्राइमरी जो इसमें जब ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये वॉल भी तो जरूरी है ना, अभी तो ये एक कमरा था, अभी छोटे छोटे दो कमरे बन गए, और छोटे छोटे कहना भी गलत है, यहाँ पर बराबर के दो कमरे बनते हैं, यानी कि बराबर की ही सेल बनती है। ये नहीं कि ये बाप इतना बड़ा तो बच्चा छोटा, वो जब फुली ग्रोथ हो जाता है, प्रोड्यूस होने के बाद वो इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। अभी देखा हमने 11 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। तो ब्रांचेस ऑफ बॉटनी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप जैसे देख सकते हैं टोटल कितनी दी हुई हैं, इसके बाद क्वेश्चंस भी हैं, 51 ब्रांचेस दी हुई हैं, इसको डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले ये जानिए क्या, कैसे हम बॉटनी की ब्रांचेस को अलग अलग कर रहे हैं, कि वो कैसे फंक्शनल है, साइज, एक्सटर्नल, इंटरनल फॉर्म, सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड दीज ऑल थिंग्स। प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरह से ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग प्लांट अलग अलग जगह, एनिमल्स अलग अलग जगह पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मींस फॉर्म, लोगोस मतलब साइंस, अगर कोई चीज़ कैसी दिख रही है उसको मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं। कोई गोल दिख रहा है तो मॉर्फोलॉजी है, कोई ट्रायंगुलर दिख रहा है तो मॉर्फोलॉजी है। एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसी प्रकार इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी कह देते हैं, जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं, ये भी हमारी ब्रांच है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल मॉर्फोलॉजी प्लांट्स की। और हम कोई सिस्टम ले ली, उसको कटिंग करी, सेक्शन कटिंग करी, फिर हमने देखा तो अंदर की एनाटॉमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी नाम दे दिया है। थर्ड नंबर पे हमारा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टो जहाँ बढ़ा जाए आप समझिए टिशू की बात हो रही है, तो सेल्स और टिशू को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो बोलते हैं साइटोलॉजी, कि वो कैसे डिवाइड हो रहा है, उसके कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल में, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, सेल इंक्लूजन्स हैं, और सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, ये सारा इस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने साइटोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। फिफ्थ नंबर पे आप देख रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जब भी वर्ड आ जाए, मतलब फिजिकल, फिजिकल और प्लांट और लॉजी, फिजियोलॉजी हम लोग की बॉडी में जो जिंदा रखने के लिए जो वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो वाइटल एक्टिविटीज़ सारी इस ब्रांच के अंदर पढ़ी जाती हैं। वाइटल एक्टिविटीज़ को कराने के लिए एनर्जी जरूरी होती है। रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिल गई, फिर सिर्फ उस एनर्जी का करना क्या है, एनर्जी से हम जो बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब में एनर्जी लगती है, सोचने में भी एनर्जी लगती है। तो वो वाइटल एक्टिविटीज़ ये सारी फिजियोलॉजी के अंदर आती है। प्लांट फिजियोलॉजी में केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ये सारे सेल के अंदर होते हैं, और कुछ सब्सटेंस का एक्सचेंज होना बिटवीन सेल और उसके एनवायरनमेंट में, ये वाइटल एक्टिविटीज़ कहलाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस हुई, रेस्पिरेशन हुई, और उसके बाद भी सारी चीज़ें वाइटल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी मतलब हम लोग क्लासीफाई करते हैं अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, तो हर प्लांट को हमने अलग अलग ऑन द बेसिस की वो कहाँ पे हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो हम इसलिए करते हैं कि प्लांट और उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टर्स। इकोलॉजी सेवन नंबर पे, कुछ मतलब हॉर्स, और लॉजी मतलब साइंस,
तो हाउस साइंस, हाउस साइंस मतलब कि प्लांट कहाँ रह रहा है, कैसा माहौल में रह रहा है, उसके बेसिस में हमने इकोलॉजी बनाया। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट प्लांट के, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं तो बनाते हैं जाइगोट, जाइगोट आगे चल के बनाता है एम्ब्रियो। इसी एम्ब्रियो की स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आगे चल के ये एम्ब्रियो प्लिम्यूल बनाता है जो कि ऊपर का पूरा स्टेम हो जाता है, रेडिकल नीचे का पूरी रूट सिस्टम हो जाते हैं, इसको जर्मिनेशन बोलते हैं। तब ये एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी जाती है। इन दो प्लिम्यूल और रेडिकल से पूरा का पूरा प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं, इसको हम इस डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। 12th नंबर पर हमारा है प्लियोबॉटनी। प्लियोबॉटनी क्या होता है? प्लियो जहाँ भी वर्ड आ जाए वहाँ समझिए आप फॉसिल्स की बात हो रही है, बॉटनी आ गया तो फॉसिल प्लांट्स की बात हो रही है, जो कि प्लांट बहुत सालों पहले थे, मिलियन ईयर्स पहले, अब वो रॉक्स में मिल रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह मिल रहे हैं, तो उसको हम एज फॉसिल्स देखते हैं। लेकिन वो फॉसिल किस चीज़ के हैं प्लांट के, उसकी स्टडी प्लियोबॉटनी होती है। इकोनॉमिक बॉटनी में हम देखते हैं प्लांट को यूज़ करके हम कैसे मेडिसिन, गम और ऑयल, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही इफिशियंट तरीके से कैसे बना पाते हैं। नेक्स्ट 14th नंबर पर हम देख रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट की पैथोलॉजी, पैथोस मतलब सफरिंग, लोगोस मतलब स्टडी, कि प्लांट डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से गुजर रहा है, तो उस डिजीजेस, वो डिजीजेस का नाम क्या, कैसे उसका कॉजल रीजन क्या, कैसे उसको कंट्रोल करें। देन है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमने देखा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, इस ब्रांच में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये इवॉल्व हुआ, थोड़ा थोड़ा और इवॉल्व हुआ, लेकिन बाद में ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया, ये हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। प्लांट की वैराइटीज़ सालों सालों में इतनी स्ट्रॉग हो गई कि वो इतनी हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, फाइटोमिस प्लांट, उसी केमिस्ट्री, प्लांट की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोफिजिक्स, प्लांट एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसमें कुछ फिजिक्स प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं, तो वो हो गया आपका बायोफिजिक्स। नेक्स्ट एक बायोफिजिक्स आपकी वो भी होती है जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं। बायोफिजिक्स का इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब लिविंग बॉटनी, हम बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें फिजिक्स का ही यूज़ करके तो सारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप एंड डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोएल्गी। देन है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। देन है कुछ इसमें आपको नया नया भी सुनने को मिलेंगे, जैसे पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी पी से समझिए पॉलन ग्रेन की स्टडी हो रही है, उसके टैक्सोनॉमी के रिलेशन में और इवोल्यूशन, पॉलन ग्रेन कैसे क्लासिफाई हुआ, कैसे उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इवॉल्व कैसे होता है। देन है बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक हम लोग का जो स्कैन होता है वो नहीं है, बायोमेट्रिक मतलब क्या है, हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं और देख रहे हैं, उसको ग्राफ में देख रहे हैं कि ये ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और ये समय के साथ ग्रोथ करके डिक्लाइन हो रहा है, तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की। देन 22nd नंबर पर हमारा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ऐसे समझिए आप, किसी प्लांट या एनिमल का हमने डीएनए लिया, उस डीएनए का ये पर्टिकुलर पार्ट ये आपका कुछ फंक्शन कराता है, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर ऑफ द हेयर, एनिमल का एग्जांपल लिया, अगर इसको हटा देंगे, इसको हमने कट कर दिया फिर हटा दिया, तो ये पार्ट नहीं है, तो वो ब्लैक कलर नहीं रहेगा, बाल का वाइट कलर हो जाएगा। ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, किसी जेनेटिक पार्ट यानी जीन कहते हैं इस पार्ट को, उसको हटा दिया या ऐड कर दिया या रिपेयर कर दिया, तो ये जो कर रहे हैं ये है जीनोटिपिक चेंज, जीन्स में चेंज किया, इसी से हमको जब रिजल्ट मिलेगा वो फिनोटिपिक मिलेगा, फिनोटिपिक मतलब मॉर्फोलॉजी में चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट या उसके फंक्शन में चेंज देखने को मिलेगा। अब हम ब्रांचेस अलाइक टू बॉटनी देखेंगे, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में सॉइल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स, फार्माकोग्नोसी क्या होता है, स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ये तीनों हम लोगों ने देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी करना पेडोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद क्या है एग्रोस्ट्रोलॉजी, क्या है, स्टडी ऑफ ग्रासेस है, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी, ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट्स एक टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, स्टेम और आपका स्टेम्स हो गए, रूट्स, ये सारे कम ब्रायोफाइट्स होता है। डेंड्रोलॉजी, शॉप्स और हर्ब्स, ट्रीज, इसकी स्टडी, लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस की स्टडी, माइकोलॉजी जहाँ बड़ा जाए, माइको मीन्स फंजाई, फाइको मीन्स एल्गी, तो एल्गी की इसको एल्गियोलॉजी भी बोलते हैं। पोमोलॉजी मतलब फ्रूट्स की स्टडी, जो फ्रूट बन गए हैं। देन टेरिडोलॉजी मतलब टेरिडोफाइट्स, ये अगेन एक प्लांट की कैटेगरी है। देन स्पोमोलॉजी, ये क्या है कि प्लांट इवॉल्व हुआ, उसी में ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। स्पोमोलॉजी, स्पर्म मतलब सीड होता है, तो सीड की स्टडी, वायरोलॉजी, वायरसेस की स्टडी, सिल्वीकल्चर, और सिल्वीकल्चर को और क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री, जिसमें फॉरेस्ट का डेवलपमेंट की पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो एग्रोफॉरेस्ट्री है, एग्रोफॉरेस्ट्री मींस क्या, इसमें हम ये देखेंगे कि जो लैंड यूज़ कर रहे हैं हर्बेशियस क्रॉप और ट्री को कल्टीवेट करने के लिए, उसकी स्टडी। एंथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर्स। बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो मींस लिविंग टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी जोड़ दी कि हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कमर्शियली पर्पस में हम ड्रग्स बना रहे हैं, वैक्सीन्स, हॉर्मोन्स बना रहे हैं लार्ज स्केल में और रीजनेबल कॉस्ट में। देन साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स क्या है, साइटोजेनेटिक्स मतलब सेल, सेल में जेनेटिक्स, सो हम डिफरेंट सेल्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें देख सकेंगे कि कैसे हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसमें हम स्टडी ऑफ सेल्स करेंगे, न्यूक्लियाई, क्रोमोसोम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स क्या है, बायो मतलब लिविंग, केमिकल, केमिकल से रिलेटेड हो गया है। जेनेटिक्स अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे डीएनए, आरएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट होता है सक्सेसिव। नेक्स्ट हमारा है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरल यील्डिंग प्लांट्स की स्टडी, फ्रेश वाटर फॉर्म जो प्लांट्स हैं उसका लिमनोलॉजी बोलेंगे, वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो वेजिटेबल वाले देते हैं, वो वेजिटेबल देते हैं, उनको ओलेरिकल्चर बोलेंगे। फार्माकोलॉजी इज अगेन इंपॉर्टेंट, हम ही देखेंगे कि डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस लिविंग सिस्टम पे हमारे या प्लांट के कैसे इफेक्ट करते हैं, ये फार्माकोलॉजी है। देन हमारा टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक सब्सटेंस अगेन आपको पता चला होगा नाम से, कि नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है, कुछ प्लांट्स टॉक्सिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, किसी किसी के लिए टॉक्सिक हैं, किसी के लिए नहीं है, जैसे सांप का जहर सांप के लिए टॉक्सिक नहीं होता है। क्रायोबायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी क्या है, क्रायो मींस जहाँ भी आ जाए मतलब ठंडा, तो फ्रीजिंग इफेक्ट, हम बायोलॉजिकल मटेरियल की फ्रीजिंग इफेक्ट की स्टडी करते हैं। एक्सोबायोलॉजी क्या है, हम पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन आउटर स्पेसिस की स्टडी। फिनोलॉजी,
फिनोलॉजी क्या है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीरियोडिक इवेंट किसी प्लांट की निगरानी कर रहे हैं, उसको ग्रोथ के लिए सारी चीज़ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो फ्लावरिंग किस टाइम पे कर रहा है, लीफ फॉल, ब्रीडिंग, माइग्रेशन। तो ये था हमारा पूरा ये लेक्चर। अब हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप इस पूरे पढ़ाई हुए से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एमसीक्यूज, जिसमें पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ डिसिप्लिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। आप समझ रहे होंगे यहाँ बात हो रही है जेनेटिक्स की। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फाइको मतलब बताया था, अगर फाइको वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए एलजी की बात हो रही है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? स्टीफन हेल्स, याद रखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें आप ग्रोथ ना लगाइएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोप्लाज्म है। ये नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट अगर देखें तो फादर ऑफ बॉटनी सबसे पहले पेज पे आया था थियोफ्रेस्टस। देन सिक्स नंबर पे है विच ब्रांच ऑफ बॉटनी डील विद स्टडी वेजिटेबल क्रॉप्स, बताया था, ऑलरेडी कल्चर अभी जस्ट पढ़ा था। अब प्लांट डिफर्स फ्रॉम एनिमल, किससे डिफर करता है प्लांट और एनिमल में, क्या डिफरेंस होता है? न्यूट्रिशन देखा था, ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट और हेटरोट्रॉफिक होते हैं एनिमल। देन द टर्म बायोलॉजी कॉइन बाय, किसने किया था? लैमार्क एंड थियोफ्रेस्टस। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या है? नाइन्थ नंबर पे हमारा क्वेश्चन है द प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ, क्या एब्सेंस होती है? सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, और ये भी देखा था कि लाइसोसोम कम मात्रा में होते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स जैसे प्लांट्स आर लाइक एनिमल्स इन दैट, कैसे? ऑप्शन सी, बोथ हम लोग भी और प्लांट भी दिन हो चाहे रात दोनों टाइम एनर्जी बना लेते हैं, रिस्पायर कर लेते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्या है मेन डिफरेंस? मेन डिफरेंस है कि रिजिड सेल वॉल हम लोगों में, मतलब एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है। द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द स्पीसीज ऑलवेज प्रिंटेड इन बोल्ड इटैलिक टाइप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप देखिए 13, जीनस क्या होता है? जीनस हम लोग जब भी नाम लिखते हैं लिखते हैं होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस में ये होता है जीनस, ये होता है क्या? स्पीसीज, तो स्पीसीज के ग्रुप को ही बोलते हैं जीनस। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्पीसीज। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देन फ्लोरिकल्चर, नॉट फ्लोरिकल्चर, फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड अंदर, किसके अंदर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके आते हैं फिनेरोजेम्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। देन 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 15 नंबर में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एंड स्टडी पीरियोडिक इवेंट्स ऑफ प्लांट में, बायोटिक इवेंट्स जो हम करवा रहे हैं वो फिनोलॉजी में आएगा, भी आपने पढ़ा था। देन ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन आपका। 16 नंबर पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर बताइए जो प्लांट स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करता है वेस्कुलर टिश्यू, लेकिन उसमें सीड्स नहीं होते हैं, ये 16 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, 17th, एक्सोबायोलॉजी लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। देन 18th, डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम प्रोवाइडिंग डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल फ्लोरा ऑफ प्रेजेंट डे, 18 नंबर क्वेश्चन, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोफाइटा। देन यहीं पर 19 क्वेश्चन है, एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या है, जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं? स्टडी ऑफ ग्रासेस, यस, स्टडी ऑफ ग्रासेस हम किसमें करते हैं? एग्रोस्ट्रोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। नेक्स्ट 20, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी डील्स विद ऑल ऑफ दीज, आपको यहाँ सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, प्लांट कंजर्वेशन। द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्लांट्स सो फार डिस्कवर्ड, ऑप्शन नंबर डी, 343,225। नेक्स्ट आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन क्रोमोसोम, अगेन यहाँ क्रोमोसोम आप समझ जाइए कि किसकी बात होगी, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं होगा। क्रोमोसोम अगर जहाँ पर भी आ जाएगा तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर 22 सेकंड साइटोलॉजी, सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लास्ट क्वेश्चन हैं ये 23, विच ब्रांच ऑफ बॉटनी डील विद द डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव वैराइटीज ऑफ प्लांट्स, इंप्रूव वैराइटी ऑफ प्लांट की प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंसीडर्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस, क्या है? यही पढ़ते टाइम बताया था, ग्रोथ मेन हम लोग को देखने को मिलती है, ग्रोथ। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है ग्रोथ। 25th नंबर क्वेश्चन, विच वन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, लेकिन प्लांट का ये नहीं है, क्या? एक्सक्रेटरी सिस्टम हम लोग में किडनी होती है, लेकिन प्लांट में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब प्लांट में नहीं होता है, वो बार्क या सिनेसेंट लीफ को रिमूव करता है। नेक्स्ट हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं सिंगल सेल एडल्ट बनती है, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बनाते हैं, ये क्या है? डेवलपमेंट है ये, ऑप्शन नंबर ए। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग वर्ड आ गया, क्रायोबायोलॉजी। तो दैट्स ऑल, अब हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, ये आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिस इस वीडियो की जिसको नीड हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियो हम और अपलोड करते पाएँ। मोटिव है हमारा ये इस पूरी यूनिट को खत्म करना। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।